सर, मैं विधायक महोदय की चिंता से सहमत हूँ कि हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है और डॉक्टरों की शॉर्टेज जो है वो ऐसा नहीं है कि हरियाणा में है सर, सारे देश में डॉक्टरों की शॉर्टेज है। WHO के मापदंड के मुताबिक 1000 की पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर होना चाहिए सर, पर हमारे देश में लगभग 1800 की पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर है सर। सर शॉर्टेज है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी मेडिकल कॉलेज खोलने के ऊपर जोर दे रहे हैं जिससे कि डॉक्टरों तैयार होंगे और हमें डॉक्टर मिलेंगे। फिर भी हम इस शॉर्टेज को देखते हुए भी हम अपने यहाँ पर कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं और सर 447 मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हुआ है सर और 1 मार्च को उनका रिटर्न टेस्ट होगा सर रोहतक यूनिवर्सिटी में। 1 मार्च को रिटर्न टेस्ट होगा और रिटर्न टेस्ट में और उनकी जो वेटर्स के नंबर मिला के हम मेरिट बना के डॉक्टरों को लगा देंगे। अब मान के चलें कि मार्च के फर्स्ट हाफ में ये 447 डॉक्टर लगेंगे और मैं विधायक मोदा के हलके में भी उनको लगाने की कोशिश करूँगा। उसके साथ ही सर हमने एक नई पॉलिसी अब तैयार की है क्योंकि रेगुलर डॉक्टरों की भर्ती के लिए बड़ी कठिनाई होती है, उसमें 1-2 साल का प्रोसेस लग जाता है सर और HPSC के प्रीव्यू से बाहर हमें निकालना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री जी ने हमें इजाज़त दी है, हमारी योजना वो मंजूर हो चुकी है कि जैसे ही कोई सीट खाली हो तो वहाँ पर एडहॉक डॉक्टर भर्ती करने की हमने प्रोविज़न मिल गई है। इसके तहत भी 342 स्पीकर सर, 342 जो एडहॉक डॉक्टर हम भर्ती करने जा रहे हैं, उसमें हम पैकेज देंगे, कोई सैलरी नहीं देंगे, उसमें पैकेज देंगे। जो MBBS होगा उसको 85,000 रुपये महीना देंगे और जो स्पेशलिस्ट होगा सर 3 साल की जिसका एक्सपीरियंस होगा उसको हम 1.5 लाख रुपया देंगे। और हम समझते हैं कि इस प्रक्रिया के तहत भी हमारी डॉक्टरों की सारी कमी पूरी होगी। उसके अतिरिक्त सर हमने ये फैसला कर लिया कि इस साल से हरियाणा के किसी भी सरकारी कॉलेज में अगर कोई एडमिशन लेगा तो मैंडेटरी उसको फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा कि MBBS करने के बाद 2 साल के लिए मैं हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में काम करूँगा सर। सर ऐसा करने से लगभग 1600 डॉक्टर हमें और मिल जाएंगे और मैं समझता हूँ कि हमारे डॉक्टरों की कमी पूरी तरह से इसमें पूरी हो जाएगी।